शिष्यवान मस्तुभ्याम हर हर महादेव। कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज हम आपको इस मार्गशीर्ष मास में किए जाने वाले एक और विशेष उपाय आपने लेकर आए हैं, जो कि आपने इस गुरुवार के दिन अवश्य कर लेना है। इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी गुरुवार को कर सकते हो, किंतु यह जो गुरुवार है बहुत ज़्यादा विशेष है, जो कि 30 नवंबर 2023 को रहने वाला है, क्योंकि यह जो दिन है आद्रा नक्षत्र में रहने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शुभ योग भी रहने वाले हैं। जो योग इस बार रहेंगे वो शुभ योग और शुक्ल योग रहेंगे, जो एक साथ काफ़ी लंबे समय के बाद शुभ बनकर आए हैं आपके जीवन में, अर्थात आपके जीवन में ये चमत्कार से कम नहीं रहेंगे। जब आपने कोई भी एक विशेष उपाय अपने जीवन की किसी भी समस्या हेतु आपने कर लेना है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जो आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन के रोग समाप्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है तब आप यह उपाय अवश्य करें। साथ साथ में यदि आपके जीवन में कोई काम अटकते बहुत है, सौभाग्य की वृद्धि आपके जीवन में नहीं होती है, दुर्भाग्य को आप लंबे समय से झेल रहे हो, तो इसलिए भी आपने इस उपाय को अवश्य कर लेना है। साथ साथ में जिनके जीवन की कोई कामना की पूर्ति नहीं हो रही है, तब भी आपने इस उपाय को अवश्य कर लेना है। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे चैनल पर दीन मिश्रा जी के उपाय बताए जाते हैं, जिनको हम एक एनिमेशन वीडियो तैयार करके आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे किस प्रकार से आपने इस उपाय को करना है, ताकि किए गए उपाय का आपको 100% फल मिल सके। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उनके भी जीवन की समस्या दूर हो सके और आपके जीवन की भी समस्या दूर हो सके। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि ऐसा करने से जैसे ही हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी वैसे ही आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो भी आप सबसे पहले देख सकिए। हमारे चैनल पर रोज़ ही नए नए उपाय डलते हैं, तो आपने उन वीडियोज़ को ज़रूर देखकर अपनी समस्या के मुताबिक एक उपाय अवश्य करना है, ताकि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके। तो आइए बिना किस देरी के इस उपाय को समझ लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, आप एक या दो बूंद शहद लोगे तो भी उससे काम बन जाएगा। साथ में आपको ज़रूरत होगी एक बेलपत्र की, जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक लोटा जल लेना है। एक बार आपको फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं कि प्रदीप कुमार मिश्रा जी ने कई बार अपनी कथा में आपसे कहा है कि जब भी आपने किसी भी जल वाला उपाय करना है और घर से जल लेकर आपने मंदिर जाना हो, तो आपने कोशिश करनी है मटके से जल भर के लेके जाना है और साथ में तांबे के लोटे में जल भर के लेके जाना है। ऐसा करने से आपके जीवन के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में अनायास ही आपके रुके हुए काम बनने लग जाते हैं। तो आइए इस उपाय को समझ लेते हैं। आपने इन सामग्रियों को लेकर आपने पहुंच जाना है शिवालय। यह उपाय आपने सुबह सुबह ही कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपने यह जो शहद लिया है इसका आपने ओम बनाना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपने यह जो बेलपत्र है ठीक इसी शहद के ऊपर ही आपने समर्पित करना है, जहाँ पर आपने ओम लिखा है। आपने इतना शहद जरूर लगाना है कि यह जो बेलपत्र है इसके ऊपर चिपक जाए, और आपने इसकी डंडे का भाग अशोक सुंदरी की तरफ रखना है। उसके बाद आपने बृहस्पतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे यह जल आपने इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ऐसा करने से आपके जीवन की हर तरह की समस्या दूर हो जाती है, आपके जीवन में हर तरह के काम बनने लग जाते हैं। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिनको इस वीडियो की जरूरत हो वहाँ तक जरूर शेयर भी कर दीजिए, ताकि उनके जीवन की भी समस्या दूर हो सके। शीर्षवान मस्तुभ्याम हर हर महादेव की हाजिरी आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लगानी है। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए सुंदर सुंदर वीडियोस बनाने के लिए। शीर्षवान मस्तुभ्याम हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।